ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनपद प्रतापगढ़ में एक अहम जिम्मेदार हैं आप। आपकी पार्टी जनपद में कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? आपकी पार्टी ने जनता के लिए क्या किया है? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत पुरानी पार्टी है और पुरानी पार्टी होने की वजह से ये हैदराबाद और तेलंगाना राज्य में काम कर रही थी। पिछले 2017 के चुनाव में भी हम लोग चुनाव लड़े थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन क्योंकि उस वक्त हमारा संगठन इतना मजबूत नहीं था और संगठन के मजबूत ना होने की वजह से उस वक्त सफलता नहीं मिली थी। इस वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, हर मुद्दे पर अगर इस जो माइनॉरिटी की मसले होते हैं या जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर तमाम सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर अटैक हो रहे हैं, इसकी सारी बात पार्लियामेंट में मजबूती से अगर कोई उठा रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। माइनॉरिटी पर लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है, उन पर हर तरीके से। अभी रिसेंट की घटना जो हम देख रहे हैं कर्नाटका में, आप देख लीजिए हिजाब को लेकर जो प्रकरण चल रहा है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में लगातार चिन्हित करके माइनॉरिटी पर अटैक किए गए, गवर्नमेंट के द्वारा CNRC के बिल लाया गया और बिल लाने पर किस तरीके से जुल्म किया गया, कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया के बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, उनके हाथ पैर को तोड़ दिया गया, उनकी आंखों को फोड़ दिया गया, इसी तरीके से गाय के नाम पर कितने सारे लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी गई। अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जुल्म अगर माइनॉरिटी पर हुआ है तो वो प्रतापगढ़ है, जहां हफ्ते में कोई ऐसा दिन नहीं बीता था जिस दिन किसी न किसी माइनॉरिटी के घर पर जाकर, मुस्लिम माइनॉरिटी के घर जाकर तोड़फोड़ ना हुई हो, दलितों का उत्पीड़न ना हुआ हो। इन सब मुद्दों पर अगर आवाज उठाने वाला कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं और उस पार्टी के कार्यकर्ता और जिम्मेदारान आवाज उठाए हैं लगातार, जिस नाते हम ये चाहते हैं कि अगर हमें पावर में लाया जाएगा, अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट्स को लोग वोट देंगे तो जो नाइंसाफियां हो रही हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार को रोकने के लिए हम हर जगह आवाज उठाने का काम करेंगे और उसके लिए लगातार लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर आरोप है कि एक धर्म समुदाय की बात करती है, बीजेपी पर भी यही आरोप है, बीजेपी एक धर्म और समुदाय की बात करती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी में क्या अंतर है? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी में क्या अंतर है? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन धर्म की बात नहीं करती है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये प्रोविजन दिया गया है कि सबको अपने अपने धर्म के मुताबिक जीने का अधिकार है, अपने धर्म को अपने कल्चर को बढ़ाने का अधिकार है, जिसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहा जाता है, जिसको फ्रीडम ऑफ कल्चर कहा जाता है। ये सारी चीजें जब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में मिले हुए हैं तो अगर लोगों को ये लगता है कि हमारी बात उठाई जा रही है तो ये धर्म की बात है। कि ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे पहले कैंडिडेट आप जो प्रथम चरण में चुनाव हो रहे हैं आप देख लीजिए, उसमें कम से कम 4 कैंडिडेट नॉन मुस्लिम कैंडिडेट हैं। लगातार नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स को हम जो है कैंडिडेट बना रहे हैं। यही इससे पहले जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें आप देख लीजिए कितने सारे नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दिया गया है। दलितों पर जब भी उत्पीड़न होता है सबसे पहले आवाज उठाने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। बैकवर्ड्स पर जब अत्याचार होता है तो हम उनकी आवाज उठाते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं तो मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर इस मुल्क में सबसे ज्यादा कोई दबी और कुचली कौम है जिसको उठाकर एकदम पसमानदगी में ढकेल दिया गया है, जिसको तमाम कमेटी तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं, इनकी आवाज उठाने के लिए अगर कोई पार्टी नहीं है तो उस लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ के इनकी आवाज उठाने का काम कर रही है। अगर इस बुनियाद पे कोई ये कहता है कि इनकी आवाज, तो मेरा सवाल उन सेकुलर जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां उनसे मेरा सवाल है कि वो कहां पर रही थी जब CNRC पर के नाम पर लगातार मुसलमानों को उत्पीड़ित किया जा रहा था, लगातार ये एक रिलीजन के खिलाफ धर्म के खिलाफ कानून बनाया जा रहा था और वो कानून इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही थी, लगातार डिटेंशन सेंटर की बात चल रही थी, उस वक्त ये तथाकथित सेकुलर पार्टी क्यों नहीं सड़कों पर उतरी, क्यों नहीं पार्लियामेंट में आवाज उठाई? पार्लियामेंट में बिल फाड़ने का काम करके लोगों को जगाने का काम अगर किसी ने किया तो बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी ने किया।
ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अगर ट्रिपल तलाक के नाम पर मुसलमानों को अपराधी बनाने का काम किया जा रहा था, अगर यूएपीए जैसा कानून पास करके मुसलमानों के नौजवानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा था, उनके इंटेलेक्चुअल्स को जेल में डालने का काम किया जा रहा था, तो उस पर तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो उस वक्त उसकी तायिद करने में लगी हुई थी। मेरा सवाल यह है कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तमाम लोग ये कहते हैं कि ये एक धर्म की बात करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कौन कर रहा है? लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के मुद्दों को कौन उठा रहा है? संविधान को लेकर लड़ाई लड़ने का काम कौन कर रहा है? ये भी तो देखना पड़ेगा। तो हमारी पार्टी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के पत्रकारों को, स्पेशली पत्रकारों के लिए कानून बनाने की बात हम लोग करेंगे कि इनके साथ जुल्म अत्याचार अगर होता है तो उसको स्पीडी ट्रायल कराकर इस मुकदमे में जो दोषी रहे उनको सजा दी जाए। सुजात भाई, आपके ऊपर सबसे ज्यादा विवाद रहा है कि मझानेपुर की पति मेटी में कितना हाथ था, क्या हकीकत थी, इसे भी खास कर दें क्योंकि जनता इस पर सबसे ज्यादा मतभेद में है। देखिए, ये चक मझानेपुर जी, ये मामला जो है, मैं कई बार इसको लाइव आकर खुद भी बात किया था, आज आप लोग हमसे पूछे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मामला मैं सबसे ज्यादा प्रशासन को कहना चाह रहा हूँ, आज तक प्रतापगढ़ के तमाम मामले जो बूथ पर हुए थे उस वक्त, उसमें जो है वो चार्जशीट फाइल हो गई। सिर्फ ये एक मसला है जिस लगा एक साल करीब होने जा रहा है, 8-9 महीने बीत चुके हैं, आज तक इसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। ये बात भी पत्रकार साथियों को पूछना चाहिए प्रशासन से कि क्या इतना बड़ा मसला जिसमें आप तीन तीन चार चार घर के तोड़फोड़ कर दिए, और 19 तारीख की थी, चुनाव के दिन की घटना थी, मुकदमा पंजीकृत होता है और 20 तारीख को बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी सम्मन और गिरफ्तारी का प्रयास किए हुए लगातार जाकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों के घर और मेरे घर पे तोड़फोड़ किया गया। अब ये तोड़फोड़ जब होता है, चलिए तोड़फोड़ आपने कर दिया, उसकी हम लीगल लड़ाई लड़ रहे थे, इसके बाद विवेचना स्टार्ट होती है। विवेचना में एक अब 3 नामजद और 20-25 अज्ञात का नाम FIR में आता है, उसमें से एक नामजद इब्रार भाई को गिरफ्तार किया जाता है और इब्रार भाई के बयान के आधार पर यह बताया जाता है कि ये 12-15 लोग जो हैं ये इसमें इन्वॉल्व थे। और वो 12-15 लोग कौन थे? मीरनपुर गांव के प्रधान को, के भाई को, उनके भतीजे को जबरदस्ती फंसा दिया गया, उसी गांव के अन्य लोगों को जबरदस्ती फंसा दिया गया, राजापुर गांव के प्रधान पद के प्रत्याशी के पिता का नाम उसमें जबरदस्ती आ गया, इस तरीके से और तमाम बेगुनाह लोगों के नाम डाले गए। अभी मैं आज करीब 1 महीने की बात कर रहा हूं, तमाम सारे लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, यहां तक कि मेरी गिरफ्तारी ये नहीं कर सके और मुझे कोर्ट ने जो है इसमें अरेस्ट स्टे दिया है। मेरा सवाल यही है कि प्रशासन जब इस तरीके का जुल्म और अत्याचार करता है, तो ये जुल्म अत्याचार होने पर भी पत्रकार साथियों को ये आवाज उठानी चाहिए कि इसमें आखिर गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, इसमें आखिर जो तोड़फोड़ किया गया उन लोगों का ना, देखिए सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए, उसमें तोड़फोड़ कहां होती है? सबसे पहले शमसुल भाई के घर पे तोड़फोड़ हुई, शौकत चचा के घर पे हुई, मेरे घर पे तोड़फोड़ हुई, ना उसमें शमसुल भाई का नाम है, ना उसमें शौकत चचा का नाम है, ना उसमें और किसी का नाम है। नाम किसका आ रहा है? नाम आ रहा शुजातुल्ला का, नाम आ रहा मीरनपुर के प्रधान के भाई का, नाम आ रहा राजापुर के प्रधान के पिता का, नाम आ रहा अन्य अन्य गांव के लोगों का। तो ये भ्रष्टाचार जो चल रहा है, पैसा किया जा रहा है, संवैधानिक जो हक है हमारे वो हमें मिलने चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे उत्तर प्रदेश में। लगातार संविधान के हिसाब को नजरअंदाज करते हुए कानून बनाए जा रहे हैं और उसमें सबको चिन्हित करके टारगेट करके उनकी किलिंग की जा रही है, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, उनकी जिंदगियों को बर्बाद किया जा रहा है। इस लड़ाई को हम लड़ने का काम कर रहे हैं, इसी मुद्दे पर हमारा चुनाव। जैसा कि MIM पार्टी इस बार ज्यादातर गैर मुस्लिमों को उतार रही है, इससे कितना फायदा होगा MIM पार्टी को? देखिए, गैर मुस्लिम नहीं, सभी को हम बराबर का वो दे रहे हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम हो चाहे वो मुस्लिम हो, सबको टिकट दिया जा रहा है। जहां पर जो मजबूत स्थिति में है, जो भी कार्यकर्ता हमारे मजबूत हैं, उनको सबको टिकट दिया जा रहा है, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं और सभी लोग, सब जात सब धर्म के लोग मिलकर हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम पूरे दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा MIM कैंडिडेट और हमारे गठबंधन के कैंडिडेट जीत कर विधानसभा में जाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। सुजातुल्ला भाई, ये बात तो क्लियर है कि प्रतापगढ़ में MIM टीम और एडवोकेट सुजातुल्ला के बीच में दूरी साफ तौर पर देखी जा रही है, आगामी चुनाव में सुजातुल्ला की क्या भूमिका रहेगी प्रतापगढ़ के चुनाव में? देखिए, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब साथ में है,
हम सब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही हैं, हम सब बैरिस्टर सबदीन के वैसे साहब के सिपाही हैं। हम लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुनाव प्रतापगढ़ में लड़ रहे हैं और मेरी भूमिका जहां पर जिला अध्यक्ष और पार्टी के जिम्मेदारान तय करेंगे इंशाल्लाह वहां मैं मजबूती से अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करूंगा। एक आखिरी सवाल, आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और कुछ माह पूर्व एक पत्रकार सुलभ जी की हत्या कर दी गई थी, लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र भी आ गए हैं, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी ने पत्रकारों की हित की बात नहीं की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देश के चौथे स्तंभ, पत्रकार को जो आज खुद अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं, इनके लिए क्या करेगी? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार पत्रकारों के हित की बात कर रही है, लगातार मजलूमों के हित की बात कर रही है। एक पत्रकार हमारे भाई जिनका नाम आपने लिया सुलभ भाई, इनकी हत्या हुई, ये खेद की बात है, मुझे अफसोस है कि इनके साथ इस तरीके का हुआ। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता होने के नाते कि उस पे जो है जिम्मेदारी से विवेचना करते हुए, लोगों को गिरफ्तारियां करते हुए उनको जो है सजा दिलवाई जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि देखिये ये जो मुल्क में इस वक्त सरकार काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है।